फ्रेंड्स नमस्कार। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म में भी देखेंगे, जिसका नाम है परऑक्साइड इफेक्ट, या कहा जाता है खैरास इफेक्ट, या कहा जाता है आपका एंटी मार्कोनी काफ रूल। तो इसके पहले अगर मेरे पहले वीडियो को आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें मार्कोनी काफ एडिशन रूल बनाया गया है और उसी का ये जस्ट अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए पहले उसको देखिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये आपका है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इस मार्कोनी काफ रूल का एंटी रूल है आपका बन गया, उसके विपरीत है आपका एंटी मार्कोनी काफ रूल्स। इसकी कुछ खास बातें, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे, ये आपका स्पेशली जो है एल्केन आर एल्कीन पर ही लागू होता है। एल्कीन आर एल्काइन डबल बॉन्डेड कंपाउंड आर कॉल्ड एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन का आपका HBr के साथ एडिशन रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनी काफ एडिशन रिएक्शन, स्पेशली अप्लीकेबल फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड एल्काइन। स्पेशली यही दो आपके मार्कोनी में भी यही चलता है, एल्कीन या एल्काइन। तो पहला काम इसमें एल्कीन या एल्काइन होगा, फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो स्पेशली एडिशन फॉर HBr, इसमें स्पेशली HBr का ही रिएक्शन होगा। हमने यहां लिख लिया परऑक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ HF, HCl एंड HI। ये HF, HCl एंड HI के केस में अप्लीकेबल नहीं है, इसके केस में ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ये सेकेंड है, स्पेशली आपका ये लागू होगा, अप्लीकेबल होगा HBr पर। क्यों, आप देख लीजिए, ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन HF, HCl, HBr एंड HI। अगर अप टू डाउन चलते हैं तो ये आपका बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है ये आपका डिक्रीज होता है। तो अप टू डाउन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होता है, सबसे आपका मिनिमम होता है HI का और सबसे मैक्सिमम होता है आपका HF का। तो भाई HF जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका बहुत हाई है, तो ये तो आपका डिकम्पोज नहीं हो पाता है, तो इस पर लागू नहीं होता है। बट आपका जो HI है इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी मिनिमम है और ये आपका डिकम्पोज होकर के I और प्लस I इज इक्वल टू I2, ये फ्री रेडिकल आपस में ही मिल जाते हैं और आयोडीन गैस का फॉर्मेशन करने लगते हैं, इसलिए ये अप्लीकेबल नहीं है। ऊपर से नीचे चलते हैं, ये भी थोड़ा ऊपर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका ज्यादा है बट HBr का आपका कम है। तो इस पहले केस में आपका जब ये टूटता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद दूसरे केस में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसे तोड़ा जाता है तो एनर्जी कम लगानी पड़ती है, तोड़ने के बाद जब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो जितनी एनर्जी लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोथ केसेज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो स्पेशली एप्लीकेबल फॉर HBr।
बट आप HCl के केस में चलिए तो ये पहले तो आपका एक्सोथर्मिक होता है, बट सेकेंड केस में आपका इंडोथर्मिक हो जाता है, एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होने लगती है, इसलिए इस पर भी ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। तो स्पेशली एप्लीकेबल फॉर HBR बोथ कंडीशन आर एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी आपका रिलीज होता है। तो स्पेशली आप ध्यान देंगे आप HBR पर ही एप्लीकेबल होगा, HF, HCl और HI पर एप्लीकेबल ये जो है आपका एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसे हटा दीजिए। थर्ड कंडीशन है आपका मिलता है ये जो आपका एल्कीन या एल्काइन है, ये होना चाहिए आपका कैसा, अनसिमेट्रिकल, अनसेचुरेटेड एंड अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, CH3CH डबल बांड है आपका CH2, यदि यहां से डबल बांड से इसे ब्रेक किया जाए और ब्रेक करने पर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो यह आपका कहलाता है सिमेट्रिकल। बट यहां देखिए आप, डबल बांड से हम दो पार्टों में इसे डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। तो दिस एल्कीन इज कॉल्ड प्रोपीन 1 और ये है आपका अनसिमेट्रिकल है आपका एल्कीन, तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसी पर ये लागू होगा। अगर आप लिखते हैं CH2 डबल बांड CH2, इधर भी CH2 इधर भी CH2, दिस इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन, तो इस पर लागू नहीं होगा। अगर आप लिखते हैं CH3 CH डबल बांड CH और CH3 एथीन है, ये ब्यूटीन है, यहां से दो पार्ट में डिवाइड करिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जो ग्रुप यहां है वही इधर भी है, तो इस पर भी आपका लागू नहीं होता है। तो ये मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन जो है ये केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन पर लागू होता है। तो दिस इज आपका थर्ड स्टेप, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन या एल्काइन पर ही लागू होता है। और यहां चले आते हैं हम स्टेप नंबर 4, तो यहां 4 की बात करेंगे आप, स्पेशली प्रेजेंस है आप पराक्साइड, ये केवल और केवल पराक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है। तो फोर्थ स्टेप आपको मिलता है पराक्साइड का प्रेजेंस, फर्स्ट स्पेशली एप्लीकेबल फॉर एल्कीन आर एल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी आपका अनसिमेट्रिकल, तो एल्कीन या एल्काइन हो ओनली आपका HBR पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, पराक्साइड की प्रेजेंस अनिवार्य है और आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए एल्कीन। अब चलते हैं यहां पर हम लोग इन चार बातों को ध्यान देते हैं और इसके बाद देखते हैं आप एंटी मार्कोनी का रूल जो है ये कैसे एप्लीकेबल है। तो यहां चलते हैं हम लिख लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH2, ये हो गया है आपका प्रोपीन प्लस स्पेशली आपका HBR और यहां हम लिख लेते हैं RORO और ये हो गया है आपका पराक्साइड, पराक्साइड की उपस्थिति में ये हो गया आपका पराक्साइड प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड या इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड द एडिशन ऑफ HBR ऑन अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक्स प्लेस, ये आपका अनसिमेट्रिकल ही होगा, टेक्स प्लेस अपोजिट ऑफ मार्कोनी का रूल, ये मार्कोनी का रूल के अपोजिट जाता है,
कहा गया कि इसका हाइड्रोजन जो है वहां अटैच होता है, यहां पर आपका हाइड्रोजन वहां अटैच होता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होता है कि मैक्सिमम। बात यहां हम करते हैं तो मार्कोनी में हमने बताया कि हाइड्रोजन वहां अटैच होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर देखते हैं तो आपका निगेटिव पार्ट वहां टेस्ट होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो। हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम हो। अब इसमें उसी का अपोजिट चलेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होगा। तो ये आप ध्यान देंगे, मिनिमम होगा आपका हाइड्रोजन, वहां आपका हाइड्रोजन आकर के अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है ब्रोमीन जाएगा कहां, जहां हाइड्रोजन आपका मैक्सिमम होगा। तो यहां चलते हैं प्रोडक्ट CH3 पाई लूजली पाई बॉन्ड आपका डिकम्पोज होगा और यहां होगा CH2। हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन की नंबर मिनिमम है और ब्रोमीन आ गया यहां, तो आपका बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये बन गया है आपका स्पेशल कंपाउंड जिसे कहा गया है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। यदि आप यही रिएक्शन कराते और CH3 CH CH2 लिखते, यहां ब्रोमीन लगाते, यहां आप H लगाते, तो ये होता है आपका मार्कोनी, ये आपका हो जाता मार्कोनी कॉप्स रूल। तो ये आपका मार्कोनी कॉप रूल होता जो हमेशा हमने बताया 2 हाइलो कंपाउंड बनता है, बट एंटी मार्कोनी में आपका 1 हाइलो कंपाउंड बनता है। ध्यान देंगे यहां प्रोडक्ट हमेशा 1 हाइलो होगा, क्यों? इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, पराक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन ऑफ HBr, HBr का एडिशन होगा, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। इसमें हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा, वहां जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और आपका बनेगा 1 हाइलो कंपाउंड। तो ऑलवेज फॉर्म 1 हाइलो कंपाउंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल। चूंकि पराक्साइड के प्रेजेंस में होता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया पराक्साइड इफेक्ट। साइंटिस्ट खैरास ने बताया इसलिए नाम रख दिया गया खैरास। तो खैरास साइंटिस्ट नेम, इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड इसलिए पराक्साइड इफेक्ट, और चूंकि मार्कोनी का रूल के एंटी रूल चलता है तो इसे कहा गया आपका एंटी मार्कोनी का रूल। जो आपका मार्कोनी का रूल है दिस मैकेनिज्म इज आयनिक बट एंटी मार्कोनी का रूल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये होगा आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका चलते हैं, इसे क्लियर करते चलिए आप कि ये रिएक्शन कैसे होगा। यदि कहा जाए आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां कह दिया जाए HI, यहां कह दिया जाए पराक्साइड, कोई जनरली पराक्साइड बेंजोइन पराक्साइड यूज किया जाता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज द बेंजोइन पराक्साइड। ये होता है आपका C6H5CO और ट्वाइस O2, ये है आपका बेंजोइन पराक्साइड। तो इसी के प्रेजेंस में होता है, कोई भी लिख लिया जाए हाइड्रोजन पराक्साइड
या लिख लिया जाए आर ओ ओ आर, आर मीन से एल्किल, आर एरिन, ये कोई भी हो सकता है, अभी मैकेनिज्म में देखते हैं हम लोग। तो यदि ऐसा लिखा जाए तो यहां हमने लिख लिया है एच आई, क्या एंटी मार्कोनिका फ्रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है एच आई, यहां आप एच सी एल लिख दीजिए कोई कंपाउंड बनेगा? नहीं, इस रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनी के अकॉर्डिंग तो बनेगा ही, बट इसके अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड नहीं बनने हैं। यहां आप एच एफ लिख दीजिए कोई कंपाउंड बनेगा? नहीं, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिका रूल, खैरास इफेक्ट, पराक्साइड इफेक्ट, पराक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन केस एच आई एस सी एल एंड एच एफ, ओनली एप्लीकेबल फॉर एच बी आर, और एच बी आर के अकॉर्डिंग बनाता है टू हेलो कंपाउंड, तो इससे रिएक्शन आपका होगा और ये आपका बनाता है सी एच टू, यहां ब्रोमीन और यहां एच, तो ये होता है आपका वन ब्रोमो प्रोपेन, तो ये आपका केवल अप्लीकेबल है वन ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, बाकी किसी पर ये एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन जो कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है ये अप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। तो चार बातें एंटी मार्कोनी का, सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ये आप ध्यान देंगे इस पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये एल्कीनों के या एल्काइनों के अनसिमेट्रिकल कंपाउंडों पर भी ऑब्जर्व किया जाता है, सिमेट्रिकल पर ये लागू नहीं होता है, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, तो इन बातों पर ध्यान देंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन। तो एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, स्पेशली थ्री स्टेप्स इन मैकेनिज्म। फर्स्ट है आपका चेन इनिशिएशन, सेकेंड है आपका चेन प्रोपोगेशन, और थर्ड है आपका चेन टर्मिनेशन। तो पहले स्टेप में जो आपका चेन इनिशिएशन है, इसमें तैयार किए जाते हैं कंपाउंडों को जिनसे रिएक्शन कराना होता है। सेकेंड है आपका चेन प्रोपोगेशन, और प्रोपोगेशन में जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है, और नियरली कभी कभी इसमें प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसा कि यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, और लास्ट में सारी चीजें टर्मिनेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो शुरू होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड लाइक मेन कंपाउंड भी कभी कभी, और लास्ट में टर्मिनेट में खत्म कर दिया जाता है। तो थ्री स्टेपों में मैकेनिज्म को देखते हैं। फर्स्ट है आपका चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, एट द फर्स्ट टाइम हम लोग लेते हैं पराक्साइड आर, यहां लेते हैं आर मीन्स एल्किल, ओ ओ और आर, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है, यहां कहा जाता है कि पराक्सी बॉन्ड होता है, या इसे कहा जाता है आपका पराक्साइड बॉन्ड, या कहा जाता है आपका पराक्साइड लिंकेज, मेनी नेम ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद अदर ऑक्सीजन कॉल्ड पराक्सी बॉन्ड या पराक्साइड बॉन्ड आर पराक्साइड लिंकेज। और ध्यान देंगे जहां जहां पराक्साइड लिंकेज होता है, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में वन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फिलहाल मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यहां पर जो है प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में यहां देखा गया है ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो वन वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, ये आपका अपना लेकर के और ये अपना लेकर के अलग हो जाता है, और जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए
शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो, तो इसे कहा जाता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक क्लीवेज। होमो मीन्स सेम, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड होमोलिटिक क्लीवेज। जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाते हैं और बॉन्ड टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रकार बॉन्ड का डिकम्पोज होना होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिजन कहलाता है। ऑलवेज होमोलिटिक फिजन टू फॉर्म फ्री रेडिकल, और ये हमेशा फ्री रेडिकल को ही देता है, निर्माण करता है। तो ये आ गया डॉट मीन्स फ्री रेडिकल, ये हो गया आपका आर और ओ, ये भी आपका हो गया फ्री रेडिकल। अब ये हो गए अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल वाला कंपाउंड होना चाहता है स्टेबल, तो ये आ गया आर और ओ फ्री रेडिकल से हटा देते हैं। तो ये है आपका फ्री रेडिकल, और एच बी आर से ये होता है आपका रिएक्शन। अब ये आर ओ किससे रिएक्ट करे, ब्रोमीन से भी कर सकता, हाइड्रोजन से भी, बट यहां भी आपका होता है होमोलिटिक क्लीवेज। यहां भी आपका क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज है, और ये होमोलिटिक के बाद ओ एच आ जाता है आर ओ के साथ और बन जाता है आर ओ एच और बन जाता है आपका ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये बन गया आपका ब्रोमीन क्या, फ्री रेडिकल। अब ये चूंकि अनस्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल है, ये होना चाहता है स्टेबल। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, तो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन इसमें कहां है, अब ले आते हैं हम एल्कीन को। हमने यहां देखा, अभी हमने बताया कि जब एल्कीन का रिएक्शन HBr से हो तो हाइड्रोजन वहां जाकर के ऐड होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका मैक्सिमम होता है। ये मार्कोनी का है, इसमें आपका ये आपका ब्रोमीन जाकर के वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा, और हाइड्रोजन वहां जाके अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम। तो ये है आपका एंटी मार्कोनी। तो हाइड्रोजन आ गया आपका सेकेंड पे और वन पे चला गया ब्रोमीन, बन गया वन ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां से चलते हैं सेकेंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन की बात करते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए आप, ये आपका डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इसमें दो कंडीशन, या तो डबल बॉन्ड शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला है, और या तो दूसरा कंडीशन इधर चले जाए। तो दो टाइप के आपके फ्री रेडिकल का यहां फॉर्मेशन हो रहा है। यहां देखेंगे आप तो टू टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड में। तो ये आपका CH और ये हुआ आपका CH2। या तो इधर आ जाए देखिए, और या तो आपका CH CH2 आपका यहां चला जाए। तो ये टू टाइप के आपके फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल का। तो यहां जो आपका फ्री रेडिकल बना, ये आपका टू टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है फ्री रेडिकल का। अब यहां आप देख सकते हैं कि किस टाइप के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो दो टाइप के फ्री रेडिकल बने, अब इसमें से आप देखिए स्टेबिलिटी किसकी मैक्सिमम है। ये आपका कार्बन है, इससे टू कार्बन अटैच है, तो ये हुआ है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इससे वन ही कार्बन अटैच्ड है, तो हो गया आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल। और हम जानते हैं आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो
टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, तो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, तो ये हो गया है आपका सेकेंडरी और ये है आपका मोर स्टेबल। सेकेंडरी वाला है आपका मोर स्टेबल है, तो यहां हमसे लिख लेते हैं आपका सी एच और ये आपका सी एच टू, ये हो गया है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपैरिजन देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है और ये आया आपका ब्रोमीन। अब यहां आप ऐड कर दीजिए फ्री रेडिकल को, तो बन गया कंपाउंड है आपका सी एच थ्री सी एच और ये आ गया है आपका क्या सी, ये आ गया है आपका एच और यहां आ गया है आपका क्या ब्रोमीन। तो ये आपका हाइड्रोजन आ गया कहां पर टू पर और ब्रोमीन आ गया कहां वन पर, इसलिए कि यहां आपने रिएक्शन करा दिया है किससे, आप सीधे कह सकते हैं HBr से। तो ये जो आपका HBr है हाइड्रोजन वहीं जाकर के अटैक करेगा आपका जो सेकेंडरी है मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल वाले से आपका अटैच हो गया हाइड्रोजन और आपका जो ब्रोमीन है ये अटैच हो गया नंबर आप वन कार्बन पर, या इधर लिख लीजिए आप ब्रोमीन और बन गया है आपका वन ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपका कंपाउंड बन गया वन ब्रोमो आपका क्या प्रोपेन। तो ये आपका कंपाउंड है जिसे कहा जाता है आपका वन ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका सेकेंड स्टेप में ही बन जाता है, चेन प्रोपोगेशन में ही फॉर्मेशन हो जाता है आपका किसका वन ब्रोमो प्रोपेन का, और यही आपका मेन प्रोडक्ट है। फिर से आप चलेंगे ये HBr में से आपका ब्रोमीन ऐड हुआ, दूसरा ब्रोमीन फिर से रिलीज होगा, उसे हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। इसे एक बार आप फिर से देख लेते हैं, मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, पराक्साइड ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में बाय होमोलिटिक फिजन के द्वारा ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता, फिजन टूट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे लाइट पड़ती है एनर्जी मिलती है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के डिकम्पोज होते हैं जिन्हें होमोलिटिक फिजन कहते हैं और इनसे बनते हैं आपके टू फ्री रेडिकल। तो ये आपके बन गए फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल के द्वारा पहली बार रिएक्शन होता है, इसलिए एंटी मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन ऑन द टोटली बेस्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये टोटली बेस्ड है आपका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पर। सेकेंड स्टेप आपका ये जो फ्री रेडिकल है यहां HBr में से यह सिर्फ अटैक करके रिएक्शन करके ROH बनाता है और फ्री रेडिकल को फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। दिस इज अनस्टेबल, अब इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन और ये ढूंढता है इलेक्ट्रॉन तो मिलता है एल्कीन के पास से। अब एल्कीन के डिकम्पोजिशन के टू टाइप दो कंडीशन है, क्योंकि इसमें लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पाई सिग्मा में बदला इसके दो कंडीशन, इधर जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा और इधर जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बनाएगा, तो दो कंडीशन है। अब इसमें से हम देखते हैं ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये आपका सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी मोर स्टेबल है कंपैरिजन में प्राइमरी से, क्योंकि यहां स्टेबिलिटी हमने लिख दिया है, तो ज्यादा स्टेबल होने के कारण अब ये रिएक्शन करेगा HBr से, यही ब्रोमीन है आपका हाइड्रोजन तो जाकर के वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो हाइड्रोजन कम है आपका किस पे है
बीच वाले पे है सेकेंडरी कार्बन पे, तो यही जाके जुड़ जाएगा, तो ब्रोमीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा वन पर, और ये होगा वन ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट, और ये होगा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है एंटी मार्कोनी का फेडिसन रिएक्शन का। लास्ट चेन टर्मिनेशन में देखते हैं हम, ये हमने आर एल्किल मान लिया है, इसका कार्बन है और ये कार्बन इससे इससे जुड़ा है, ये आपका सेकेंडरी है, जैसा कि प्रोडक्ट बना था इस फ्री रेडिकल से रिएक्शन। तो यहाँ आपका ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ये प्रोडक्ट बना, फिर वही हमने लिख लिया है दोनों का रिएक्शन करा के ये कंपाउंड बना दिया, और ये ब्रोमीन ब्रोमीन रेडिकल ऐड होकर के भी आर टू बनाते हैं, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं मैकेनिज्म दोनों मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी। मार्कोनी आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, जबकि एंटी मार्कोनी या खैरास पराक्साइड इफेक्ट, दिस इज ए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन दोनों शो करते हैं, बट जो आपका पराक्साइड इफेक्ट है, ये प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड लाइक बेंजल पराक्साइड या हाइड्रोजन पराक्साइड या एनी केवल पराक्साइड लिख दिया जाता है, इस पराक्साइड के प्रेजेंस में ही होता है, इस बात पे आप ध्यान दें।